गुड मॉर्निंग। आज का थोड़ा सा दिन अलग है। भाभी हैड टू गो बैक टू दिल्ली बिकॉज ऑफ सम फैमिली थिंग। मैं बना रही हूँ रागी। इसमें रागी का आटा है, नॉर्मल आटा है और दाल है और थोड़ा मैंने चुकंदर डाल दिया। आज ऋषि का वर्षा मंगल का फेस्टिवल है फाइनली, जिसके लिए प्रिपरेशन कर रही थी। आज है तो अगर इसने बोला स्टेज पे तो ठीक है, बाई चांस नहीं बोला तो मैम ने फिर भी इसकी एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो रख ली है कि जस्ट इन केस ये लास्ट मोमेंट पर ना जाए तो वो हो जाए। क्योंकि इसके साथ दिक्कत क्या है, उस टाइम पे एग्जैक्ट लाके खड़े करा के मैं बुलवा दूँ वो एक चैलेंज होता है। भाग जाती है इधर उधर। 9 बजे स्टार्ट हो, खाना वाना बना दूँ। गौर के अंडे बना दिए मैंने, ये ब्रेकफास्ट हो जाएगा फिर स्टार्ट करते हैं। चलो चलो रशी उठाते हैं। आओ आओ चलो 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 शुरू में उठा दीदी को। उठा 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 चढ़िया ऊपर, चढ़िया चढ़िया उठा उठा चाट 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 ले चाट। मुझे काम मैं तो उठा हुआ भाई। ऋषि वर्षा मंगल का प्रोग्राम है। व्हाट्सएप एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग। अभी मैं करने जा रहा हूँ एडिटिंग। सुबह सुबह 8:30 बजे है। रितु की ऋषि की क्लास चल रही है तो एक क्लास हो जाती है, उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि एकदम तो सुबह सुबह उठ के ना भूख नहीं लगती। मतलब चलो भाई, ऋषि का फाइनली वर्षा मंगल का है। ऋषि लाइव एंकरिंग करेगी आज। वाह, तो हम लोग ने एक चॉकलेट ऋषि के लिए बचा के रखी थी, एक स्क्वायर, और इसको लालच दिया कि वर्षा मंगल में ऐसा सुनाना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा करते हैं। इवेंट आपका है और एक्साइटेड ज़्यादा मम्मी हो रही है। ऋषि ऑलमोस्ट डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी माँ से। बड़ी मुश्किल से बुलाया उसको चॉकलेट करा रहे थे। बच्चे का दिक्कत क्या है कि व्हेन द इवेंट इज ऑन उनका मूड होना चाहिए करने। ऋषि बारी आ गई। देखो सुनो, अभी आपको दे दिया है, अब जब आप सुनाओगे उसके बाद दूंगा, ठीक है? वो सामा, हां वो चलो, हां इतना शायद सामने खड़े हो ऋषि। अब आप, दिस इज द मोमेंट। ऋषि लाउडर, इधर बहुत लाउडर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज करवा। अब वॉश योर ऑडिबल। कैन यू जस्ट रिपीट वंस अगेन? लाउडर लाउडर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज करवा। लेट्स वर्क विद योर प्लांटेशन गाइस और पेट पैनिक चैनल। हेलो गाइस, ऋषि कितना अच्छा बोला, कितना अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, बहुत लाउडली बोला ऋषि। वाओ, ये पता क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरे बच्चे ने जब मैंने बोला तब सुनाया, सबने देखा, सबने बहुत अच्छा कहा। शिवचा कटोरी लेके आओ और ये दही डालो उसमें। तो ये हमारे पराठे बन रहे हैं, हमारा आटा है, ये हमारे छोटे नचखटे हैं और ये हमारी किचन पार्टी हो रही है। क्या बना खाने में बेटा? आलू पटाटा। मेरे नटखट बंदर मैंने इसको कहा अचार ले आओ तो देखो बेचारा पूरा बड़ा डिब्बा लिया है। तो बड़ा प्यारा है विनीजन। व्लॉग हमने कर दिया है, पब्लिश हो चुका है लाइव, और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी कर लिया। लेकिन आजकल पता नहीं क्या व्लॉग लाइव करते हुए ऐसी नींद आती है कि फिर मैं सीधा उठता हूँ दोपहर को 2 बजे। Hey guys, welcome back to this November. कौन सा मंथ है? नवंबर। मम्मा टुडे इज नवंबर। वो डंडा कहाँ गया बड़ा वाला? टुडे इज नवंबर। तुम्हारा बर्थडे निकल गया, पापा का बर्थडे निकल गया, नवंबर ही अभी तक। आज घर में गंदगी ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा गंदगी जो करेगा वही साफ करेगा आज नहीं, अब से। तो अभी दीदी आई यहाँ काम कर रही है, किचन के बर्तन वर्तन साफ कर देंगी। इसके बाद जो भी गंदा करेगा बर्तन, सुनो कोशिश करो कि हाथ में रोटी लगेगा, उसी में सब्जी डाल लो। एक हाथ में सब्जी और यहाँ रोटी रख लो, उसी को तोड़ के खाओ। ऐसे क्या पढ़ाई नहीं करो? तुम तो करते नहीं हो, पापा भी ना करे। बगले यहाँ से चल, याद नहीं करो। वो लगाओ क्या? अच्छा मम्मा इसको ले जाओ। मम्मा ऋषि तंग करी पापा को। चुप जा। तुम्हारी लड़की बहुत डिस्टर्ब करती है यार। यही थी, कहाँ गई? देखो तो माऊ है। वापस कैसे आ गए आप? बाहर चलो, मैं दरवाजा लॉक करूंगा। चल बाहर निकल। आई विल लॉक माय रूम नाउ। ले जाओ इसको, ले जाओ। रोते रहो, क्या है चाहिए भाई? हाँ, जब मैं लेट हुआ था तभी गया था यहाँ से, अब वापस आ गया है ना। बचपन में हमने पढ़ा था ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। बचपन में तो मम्मा ऐसा समझ में नहीं, अब समझ में आ रहा है। पढ़ने वाला टाइम हो रही मम्मा, क्या किया जाए। जो लोग यूके में रहते हैं उनके मजे हैं, यूके में कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। मैं उठा दूंगा ना। कह रही पंखा, ये पंखा उतार के दूसरे कमरे में लगा लेते हैं ताकि रील बना सके। मैं अगर टेबल साइड कर लेंगे पागल। आपको पता है जैसे किसी को अगर सजा हो गई तो वो कितनी बार अपील कर सकता है उस डिसीजन के अगेंस्ट, कितनी बार भी करो भाई, मैं जब तक सेटिस्फाइड नहीं हूं, लेकिन आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में जाकर खत्म हो जाएगा ना। इमिग्रेशन कोर्ट ने सजा दे दी, तुम हाई कोर्ट जाओगे, ठीक है, हाई कोर्ट ने दे दी तुम सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट जा सकते हो तुम, प्रेसिडेंट के ये पहले चले जाओगे। बहुत आस्था बाकी है बे, जिनकी इन्फॉर्मेशन मूवी देख देख के आती है ना, ऐसे होता है। हाई सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी, उसके बाद सुनो, उसके बाद एक होता है SLP स्पेशल लीव पिटीशन, वो तुम सुप्रीम कोर्ट में भी ला सकते हो। उसके बाद होती है एक रिव्यू, उसके बाद होती है क्यूरेटिव पिटीशन, उसके बाद सजा होती है फाइनल, उसके बाद जाते प्रेसिडेंट के पास। रशी किसका खाना बना रहा है बेटू? है मेरा? रशी तुम्हें से इतना प्यार करता है क्या? थोड़ा सा प्यार करते हो मम्मा से? मम्मा से ज़्यादा प्यार करते हैं। हम मम्मा के पास जाएंगे, हम कहेंगे मम्मा हमने एक संकल्प लिया है कि हम घर में कम गंदगी मचाएंगे, ठीक है? बोलो 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 बोलो, समझ गए? संकल्प लिया हम थोड़ा फैलाएंगे। हाँ, हम कूड़ा नहीं फैलाएंगे, हमने ये संकल्प लिया है मम्मा, क्योंकि अब आपके पास उतनी हेल्प नहीं है तो हम कूड़ा नहीं फैलाएंगे। संकल्प लेते फैला दिया। ए संकल्प, ए देखो, ए देखो क्या हुआ। मम्मा ने देखो कैसे मैंगो खाया, इससे के तो रशी खाती है। हाय राम, पूरा झरीटे। तो आज मेरी ड्यूटी है बर्तनों की। रशी जूना लगाओगी या पानी से धोगी? नहीं, जूना भी लगाऊंगी, पानी से भी। वो दोनों काम। तो ये हमारे लंच वाले बर्तन है, लंच में बैठा के और डिनर का भी हम करते हैं। ओह क्या बात है मम्मा, थोड़ा इतना इतना दयावान। तुम क्या करोगे? सुनो, आप मुझे वो कटोर दान दे दो बेटा, बाहर धोने हैं। तो मैंने पूरा फ्रिज साफ कर दिया है, ये बर्तन में लगा दूंगी, ये वाले बर्तन लगा देंगे, ये पलाई पानी। अगर तुमने शरारतें नहीं की होती ना तो वहाँ पे वो नल अभी भी होता। अरे मम्मा इसको भगा लो, तुम इधर आ जाओ, तुम उधर कर लो, जाओ लो 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 साबुन लो लो लो। चल तो बड़ा प्यारा रही है, अच्छे से अच्छे से, ठीक है, अच्छे से करो बेटा दोनों। दिखाओ ना तुम्हारा आज सिनेमैटिक निकाल। क्या क्या कह रहे हो? ओहो, सारे सिनेमैटिक में तूने मेरे को बहुत गंदा दिखाया आज। चलो तुम कहाँ चले? एक ही बर्तन नहीं धोना, पूरी बाल्टी गंदी नहीं कर, पानी हाथ से बाहर निकाल। पापा सिखाएंगे तुम्हें। पापा खूब एक्सपर्ट है। तो स्पीड से करते हुए कितने सारे बर्तन बांध दिए, चमकने चाहिए। चमक रहा है भाई। हाँ, कोई इसमें चिकनाहट रहने नहीं चाहिए। हमारी सेना देखो कितने गंदे से धो रही है। हमारा फ्लाइंग विशाल का नाम मत खराब करो भाई। चले उधर बैठो, एटिंगे होंगे। इसके बाद चाय मिलनी बढ़िया और जो फिर चढ़ा दो। हमारी बातों में मेरे बर्तन रखे लगाने। बेटा साफ वाले को, मम्मा देखो गंदगी कर रही है। अरे ये साफ, मम्मा ये साफ बर्तनों को पूरा गंदा कर रही है, ऐसे नहीं करते बेटा। अब स्विमिंग पूल खोलना है, इसे इन पापाओं को कहते हैं ना बच्चों से काम करा लो तो डीमोटिवेट कर दे बच्चे को, बेचारी धो रही है। आई लाइक चिड़चिड़ाहट ऑन योर फेस। लगा दो एक साल। काम बढ़ाते हैं लोग यार, क्या चाहिए? साफ करने का। हाँ, इतना अच्छे से साफ करा रही है बेचारी मेरी बच्ची, क्या दिक्कत है तुम्हें? यही बर्तन हमारा बर्तन क्या साफ कर रही है, इसमें गंदगी दिख रही तुमको, दिख रही पसीने पसीने हो गए हम बच्चों। यहाँ बन रही है हमारी चाय। और है कभी हम बाहर जाते, मैं कहता हूं ना अरे वॉलेट भूल गया, वॉलेट भूल गया, खाना वाना खाने जाएगा अब टेंशन नहीं, वॉलेट भूल गया क्या प्रैक्टिस है मम्मा। ये लो ये भी है। अरे आप तो बढ़ाते ही जा रहे भाई हमारा काम। आज कमर दबा देना। सारे बर्तन में धो दिए हैं और बाल्टी में बस इतना सा पानी यूज हुआ, और नलके से यूज करते तो बहुत पानी लग जाता है, मैंने आज रियलाइज किया है। आओ माओ तुम्हारा खाना दे, चलो चलो। अरे उछलना नहीं, गिर जाऊंगा मैं। इनके सारे बर्तन निपटा दिए, रात का डिनर टाइम को देखेंगे। एक मैं बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी ऐसे घर पे आपकी माँ है जो हाउस वाइफ है, बीवी है जो हाउस वाइफ, और आप उनको कहते हैं कि तुम सारा दिन करती क्या हो, घर पे तो रहती हो, घर का काम करती हो, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जीवन में बहुत बड़े भ्रम में रह रहे हैं।